हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अपने ही जैसी अपने ही टाइप की नई स्पीसीज बनाई जाती है। द प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन टाइप इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जो कंटिन्यूटी होती है उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फोर्थ होता है पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब कोई प्लांट बीज के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बनता है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें सीड से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सीड के अलावा किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नया प्लांट बनता है उसकी रूट्स, स्टेम और लीव्स पहले वाले प्लांट की तरह ही होती हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी को क्लोन्स कहते हैं। पेरेंट प्लांट की तरह ही नए प्लांट बनना क्लोन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ग्रास, ऑनियंस, जिंजर, जैस्मिन ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम बाज़ार से आलू लेके आते हैं तो उस पर छोटी छोटी बड्स बनी हुई होती हैं। ये जो उभरे हुए पार्ट होते हैं उनको हम बड्स कहते हैं। हम इन्हें आसानी से नए प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनसे नए प्लांट्स उगा सकते हैं। आलू में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आपने देखा होगा कि हम रोज़ का नया प्लांट कैसे उगाते हैं, उसकी स्टेम को थोड़ा सा कट करके उनको उगा देते हैं तो नया प्लांट उग जाता है। ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स पर छोटी छोटी लीव्स और उगी हुई होती हैं, इनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें इन्हीं लीव्स से नए प्लांट जनरेट हो जाते हैं, नए प्लांट बन जाते हैं। तो हमने देखा कि रोज़ में, मनी प्लांट में, पोटैटो में, कैक्टस में, ब्रायोफेलम लीफ में, जिंजर में, ऑनियन में, इन सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब है बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्लांट डेवलप्ड इन लेजर टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड में ये प्लांट उग जाते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑब्टेंड इन लेजर टाइम, और इनसे हमें फ्लावर्स और फ्रूट्स कम टाइम में मिल जाते हैं। और जो नए प्लांट बनते हैं वो सिंगल पेरेंट प्लांट से ही बनते हैं, उनमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो नए प्लांट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें ना तो फ्यूज़न होता है ना ही गैमेट सेल्स और क्रोमोसोम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन इस तरह की प्रोसेस होती है। बडिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक बड से नए प्लांट जनरेट हो जाते हैं। सम एनिमल्स हैव सेल्स हैविंग पावर ऑफ रीजनरेशन। अ बड इज़ फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। दिस बर्ड ग्रोज इन साइज, टेक्स द शेप ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू डेवलप्ड एज अ न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज नॉन एज बडिंग। बडिंग प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। जैसे हीस्ट में हीस्ट सेल होती है, वो जब डेवलप्ड होने लगती है तो एक न्यू बड बना लेती है और उस बड से नई चेन बनना स्टार्ट हो जाती है और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहता है। हाइड्रा में भी इसी तरह की प्रोसेस होती है जैसे हमारे पोटैटो में होती है। एक बड से नया प्लांट बन जाता है, वैसे ही हाइड्रा के एक पार्ट से नया हाइड्रा बन जाता है।
नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पार्ट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और इन्हीं पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए प्लांट्स डेवलप्ड होते हैं। फ्रेगमेंटेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट और ब्रेक इन टू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप्ड इन टू मैच्योर ऑर्गेनिज्म फुल ग्रोन इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स के ही इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्गी। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस पोटेटो, कैरट, जिंजर, स्ट्रॉबेरी, ऑनियन, फ्लावर्स, इन सब में हो सकती है। इन्हीं के पार्ट को कट करके नए प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑक्यर्स मेनली इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक इन फंगी। जैसे फंगस होती है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें थोड़े स्पोर्स होते हैं, इन्हीं से नया फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स विच देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये नए प्लांट्स बनाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड इन विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस और स्पोर्स, ईच ऑफ विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ ऑर्गेनिज्म लाइक द पेरेंट फॉर्म। स्पोर फॉर्मेशन से स्पोर नए प्लांट्स को बना देते हैं। फंगस रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। फंगस में भी बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो नए प्लांट्स को बनाते हैं। सेल्स इन स्पोर्स मल्टीप्लाई टू ग्रो इन अ न्यू प्लांट इन फेवरेबल कंडीशंस। रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे एक नया इंडिविजुअल प्लांट्स बन सके। ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल फ्रॉम ईच पेरेंट। इसमें पेरेंट सेल्स के गैमेट से नए प्लांट्स जनरेट होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे प्लांट्स में फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह रोल करता है। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज़ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। द कम्प्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। इसके चार पार्ट होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन। स्टामेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल और कार्पल ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जहाँ पर एग्स बनते हैं। पेटल जो पंखुड़ियाँ होती है उनको कहते हैं। सेपल जो ग्रीन कलर का होता है जहाँ से फ्लावर उगना स्टार्ट होता है उसको सेपल कहते हैं। स्टामेन जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें पोलन्स होते हैं और फिलामेंट होते हैं। फ्लावर में दोनों भी हो सकते हैं, स्टामेन और पिस्टिल, और एक एक भी हो सकता है। बेस्ड ऑन दिस अ फ्लावर कैन बी आइदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। इन्हीं के बेस पे हम देखते हैं कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाइल जिनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, और जिनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं, इसमें स्टामेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एंथर और फिलामेंट दोनों होंगे, और कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो एंड्रोसियम हो या फिर जिनोसियम हो।
The flower in which either androecium or gynoecium is present are called unisexual flower. इसके examples हो जाएंगे पपाया और मेज मक्का. Bisexual flower वो flower होता है जिसमें male reproductive organ और female reproductive organ दोनों present हो, मतलब androecium भी present हो और gynoecium भी present हो, उसको bisexual flower कहते हैं. Examples हो जाएंगे mustard, rose, धतूरा. आपको इन्हें इस तरह याद रखना है, uni मतलब एक, जिसमें कोई भी एक organ स्थित हो, चाहे वो male reproductive organ हो या female reproductive organ हो. बायसेक्सुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम भी और जिनोसियम भी. तो हमने पढ़ा कि बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे, मतलब एंड्रोसियम भी होंगे और जिनोसियम भी होंगे. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब एंड्रोसियम होगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनोसियम होगा. The androecium has pollen sac in which a large number of pollen grains are formed. Androecium male reproductive organ होता है, इसलिए इसमें thousands of pollen grains present होते हैं. Gamete cells होती है reproductive cells. तो male gamete cells pollen grains से जब germination होगा तब बनती है. The gynoecium has stigma, style and ovary. Ovary can have one or many ovules. ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जिनमें एग्स बनते हैं. जो फीमेल गैट्स होते हैं, जो ओव्यूल्स में एग्स होते हैं, उन्हीं को ही फीमेल गैमेट्स कहते हैं और ये ओव्यूल्स में होते हैं. तो हमने पढ़ा कि फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलेक्स जिनको सेपल भी कहा जाता है, कोरोला जिनको पेटल्स कहते हैं, एंड्रोसियम या स्टामेन, जिनोसियम या पिस्टल. तो फर्स्ट है कैलेक्स या जिनको हम सेपल्स कहते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं. जहाँ से फूल उगना स्टार्ट होता है वो जो नीचे का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होती है उसको सेपल्स कहते हैं. ये जो इनर पार्ट्स हैं फ्लावर के उनको प्रोटेक्ट करके रखता है. इट इज़ अ आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट है कोरोला, जिनको हम पेटल्स भी कहते हैं. कोई भी फ्लावर है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है उनको पेटल्स कहते हैं. ये अलग अलग कलर की होती हैं इसलिए इनको कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स कहते हैं. ये इंसेक्ट्स को, जैसे बटरफ्लाई है, इन सबको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. नेक्स्ट पार्ट है एंड्रोसियम एंड जिनोसियम. एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स. प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिनोसियम. रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट प्रोसेस आती है पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बाय एनी मीन ऑफ एजेंट इज नॉन एज पॉलिनेशन. इसका मतलब होता है फ्लावर के एंथर पार्ट से जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, एयर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. ये दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. इनका मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये एयर के थ्रू भी आ सकते हैं, वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं, कोई इंसेक्ट जो भी इन पे बैठ जाता है उनके थ्रू आ सकते हैं, बटरफ्लाई के थ्रू आ सकते हैं. इनको मीडियम की ज़रूरत होती है. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. लेकिन जब पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स में आते हैं और फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है, मतलब बीज बनते हैं. और जब पोलन ग्रेन्स ओवरी में आते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन होता है तब फ्रूट्स बनते हैं. तो पोलिनेशन की फर्स्ट टाइप है सेल्फ पोलिनेशन. व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. जब एक ही फ्लावर पर एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो, इन दोनों के बीच में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन. इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, पी, टोमेटो, कुकुम्बर, वीट, राइस. इन सब में सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस होती है. पोलिनेशन का नेक्स्ट टाइप है क्रॉस पोलिनेशन.
When the pollen grains are transferred from the anther of one plant to the stigma of another plant of the same species, the pollination is known as cross-pollination. जब एक प्लांट के एंथर वाले पार्ट से पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, लेकिन दोनों फ्लावर सेम स्पीसीज के होने चाहिए। क्रॉस पोलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ऑल्सो लीड्स टू मोर वेरिएशंस। क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स। क्रॉस पोलिनेशन के एग्जांपल्स होते हैं रोजेस और ग्रेसेस। पोलिनेशन की प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है इनकी फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द पोलिनेशन द पोलन रीच द स्टिग्मा ऑफ जिनोशियम। जिनोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा तक जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं उसके बाद के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं पोलन ट्यूब्स में। दिस ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट्स एंड मूव्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स। ये मेल गैमेट्स से ओव्यूल्स तक की होती हैं जहाँ से पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स में पहुँचते हैं। इट पासेस थ्रू द स्टाइल एंड अल्टीमेटली रीच द ओवरी। यहाँ से ये स्टाइल वाले पार्ट से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाते हैं। आफ्टर रीचिंग देयर इट एंटर्स द ओव्यूल एंड द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब्स ओपन बाय बर्स्टिंग। और यहाँ पहुँचते ही जो पोलन ट्यूब्स हैं वो ओपन हो जाती हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। द रिलीज्ड मेल गैमेट्स फ्यूज विथ फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट इन द ओव्यूल। और यहाँ पर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से जायगोट्स बनते हैं। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में कोई रिएक्शन होती है तब वहाँ पे जायगोट्स बनते हैं। दिस जायगोट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रो। और ये जायगोट्स डिवाइड होके एम्ब्रो बना लेते हैं। दस आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद सीड जो है वो ओव्यूल से बनते हैं और ओवरी से फ्रूट्स डेवलप्ड होते हैं। ये सब प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग बाय द मेथड इन डेवलप्ड प्लांट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फ्रॉम द ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी आर डेवलप्ड। सीड हमेशा ओव्यूल से बनते हैं और फ्रूट्स हमेशा ओवरी से बनते हैं। एन एम्ब्रो इज प्रेजेंट इन द सीड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। सीड में एम्ब्रो प्रेजेंट होता है जिससे चांसेस होते हैं नए प्लांट के बनने के। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो लार्जेस्ट फ्लावर होता है उसका नाम रफलेशिया होता है। ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ वॉल्फिया। लार्जेस्ट सीड इज़ लॉडोसिया। स्मॉलेस्ट सीड इज़ ऑर्चिड। इस फ्लावर को बोलते हैं रफलेशिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर होता है। अप्रॉक्स 10 केजीज का वेट होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फिया होता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, अप्रॉक्स 0.04 या 5 इंच के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट। अ फ्रूट इज फॉर्म्ड इन द ओवरी और अ मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। फ्रूट ओवरी से बनता है या फिर एक मैच्योर ओवरी को आप फ्रूट कह सकते हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होती है वो ही हमारे फ्रूट्स की वॉल होती है। फ्रूट्स भी दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें फ्रूट्स के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करती है, देन द फ्रूट इज़ नॉन एज ट्रू फ्रूट, जैसे मैंगो, बेरीज। फॉल्स फ्रूट्स ऐसा फ्रूट होता है जिसमें ओवरी के अलावा भी जैसे सेपल्स, थैलेमस, ये फ्रूट्स के फॉर्मेशन में यूज़ आते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं।
इसके एग्जांपल्स होंगे एप्पल, नट, पियर। तो हमने पढ़ा कि ट्रू फ्रूट वो होंगे जिसमें सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करें। ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रो इनटू द फ्रूट, जिसमें ओवरी से ही फ्रूट बन जाए। और फॉल्स फ्रूट वो होंगे जिसमें इट इज़ द ऑफन फाउंड दैट अदर फ्लावर पार्ट सच एज थैलेमस, जिसमें फ्रूट फॉर्मेशन के लिए कैलेक्स, थैलेमस ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं और फ्रूट बनाते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल में कैलेक्स और थैलेमस के यूज से नया फ्रूट बनता है, लेकिन टोमेटो में ओवरी ही फ्रूट में डेवलप्ड हो जाती है। रिप्रोडक्शन का फोर्थ पार्ट होता है पार्थेनोकार्पी। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में चेंज जाती है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। द फ्रूट फॉर्म इन द मैनर डू नॉट हैव सीड्स, इस टाइप के प्रोसेस में सीड्स नहीं होते हैं, जैसे बनाना, ग्रेप्स ये सब विदाउट सीड्स होते हैं, इनमें पार्थेनोकार्पी रिप्रोडक्शन होता है। ऑल फ्रूट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट ऐसा फ्रूट होता है जिसमें ओवरी से सिर्फ एक ही सिंगल फ्रूट बनता हो, जैसे मैंगो और वीट, ये सिंपल फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट। इस टाइप के फ्रूट्स में फ्रूट सेपरेट होते हैं। व्हेन सेपरेट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द मल्टी कैपिलरी एप्रोकार्पस ओवरी ऑफ ए फ्लावर बट रिमेन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, द फ्रूट इज नॉन एज एग्रीगेट फ्रूट, जैसे स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट होता है कंपोजिट फ्रूट। व्हेन ऑल फ्लावर्स ऑफ एन इंटायर इन्फ्लोरसेंस पार्टिसिपेट इन फ्रूट फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट, जैसे मलबेरी, कस्टर्ड, एप्पल। तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं। एक ऐसे फ्रूट्स जिनका बाहरी पार्ट हम खाते हों, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पियर्स, और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका इनर पार्ट हम खाते हैं, वो कवर रहते हैं, जैसे मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ग्रुप्स में होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स। तो हमने पढ़ा कि ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी या जिनेशियम से डायरेक्ट बनता है और जिनमें सिंगल फ्लावर होते हैं, जैसे ऑरेंज। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जिनमें फ्लावर के अदर पार्ट भी फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एप्पल। नेक्स्ट होता है कंपोजिट फ्रूट। फ्रूट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द होल इन्फ्लोरेसेंस एंड नॉट फॉर्म अ सिंगल फ्लावर, जिसमें एक सिंगल फ्लावर से ये नहीं बनते हैं, उनकी बाहरी स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होती है, जैसे पाइनएप्पल। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। The process of transfer of heredity characters from one generation to another generation is known as heredity. एक generation से characters का दूसरे generation में जाना ही heredity कहलाता है। Gregor John Mendel ने first time pea plant पे experiment किया था, इसलिए इनको genetics के father कहते हैं। For his contribution in the field of genetics, Mendel is known as the father of genetics. Mendel ने genetics के बारे में समझाया था कि कैसे characters parents से daughters में जाते हैं। जैसे stem की height, वो लंबा होगा, छोटा होगा, flower का color क्या होगा, flower की position क्या होगी, seeds की शेप कैसी होगी, राउंडेड होगी, रिंकल्ड होगी, सीड का कलर कैसा होगा, येलो या ग्रीन, ये सब जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने फॉर्मूले दिए थे, जिससे हमें प्लांट्स के जेनेटिक्स के बारे में समझ आया था। इन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने बताया कि एक लंबे प्लांट से और एक छोटे प्लांट से जब नए प्लांट्स बनेंगे तो वो सारे लंबे प्लांट्स बनेंगे। Why Mendel selected only pea plant for his experiment of heredity? इन्होंने pea plant को ही choose किया क्योंकि उसमें जितने भी contrasting traits हैं वो visible हो रहे थे, और pea plant का जो life span है वो बहुत छोटा होता है, आसानी से इनके life span के बारे में study कर सकते हैं। एक reason ये था कि pea plants में self pollination होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इनमें cross pollination भी बहुत easy तरीके से हो सकता है।
based on the observation of experiments conducted on pea plant, Mendel formulated three laws of inheritance: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. तो इस चैप्टर में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे पोटैटो पे बर्ड्स बन जाती है और इन बर्ड्स से नए प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बडिंग कहते हैं। ये रोज़ में भी हो सकती है, मनी प्लांट में भी हो सकती है, ब्रायोफेलम और कैक्टस में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट काम में आती हैं, इसमें ना तो स्पर्म होते हैं और ना ही एग्स रिक्वायर्ड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट सेल इन्वॉल्व होती हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और दूसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, दोनों इन्वॉल्व हो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी, जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं और ये पार्ट्स में टूट जाते हैं, जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इसी पार्ट से नए प्लांट्स बन जाते हैं, नई सेल्स बन जाती हैं, उनको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इस चैप्टर में हमने प्लांट्स और फ्लावर्स के बारे में जाना। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें कार्पल, स्टामेन, पेटल्स, सेपल्स, ओव्यूल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पोलन, फिलामेंट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।